असलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ गोल्डन चिकन। ये एकदम ही न्यू रेसिपी है, ये मैंने भी सेकेंड टाइम बनाई। फर्स्ट टाइम आई थी जब सबको अच्छी लगी थी, तो सेकेंड टाइम मैंने स्पेशली वीडियो के लिए बनाई थी। तो चलिए फटाफट से हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। जितना चिकन, ये मैंने लिए 2 कप धनिया जी, मैंने लिया है कड़ी पत्ता 1/2 कप, और हरी मिर्ची लिए 10 से 12, और मैंने पुदीना लिया है सूखा वाला। अगर आपके पास ताज़ा हो तो आप वो डाल सकते हो, वो भी मैंने 1/2 कप ही लिया है। 2 टेबलस्पून लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 नींबू का रस लिया है, और ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये रहे मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स, ये देखें। मैं पेस्ट बना लेती हूँ, हरे मसालों का पेस्ट बना लिया है। तब हम चिकन को मैरिनेट करने रखते हैं। तो ये मैंने लिया है चिकन, जिसमें बताया था 500 ग्राम। अब इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून काली मिर्ची, डालूँगी 1/2 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और नींबू का रस, और जो मैंने पेस्ट बनाया है वो 1/2 ही डालना है, पूरा नहीं डालना। बाकी जो बचा हुआ है वो बाद में हम यूज़ करेंगे। ये डाल दिया है, और अब इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है, अब थोड़ी देर में इसे मैरिनेट होने देती हूँ। कर लिया है, और इसके अंदर अब मैं डालूँगी 1 चम्मच मैदा, और 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर पाउडर, और दोनों को अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। फ्राई पैन में तेल गरम करने रख दिया है, तेल है वो गरम हो चुका है। तो अब इसमें मैं जो हमारा चिकन के पीसेस है वो एक एक करके सारे डाल दूंगी। इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाएं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। और मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसे मैं बाल्टी पल्टी करके फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे ही। 5 मिनट हो चुकी है, ये देखिए आप देख सकते हो हल्का हल्का सा ये गोल्डन ब्राउन होने लगा है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है तकरीबन 10 मिनट के अंदर। जो चिकन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से तेल के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 5 अच्छी लाल मिर्ची। हल्का हल्का हमें फ्राई करना है, और अब उसके अंदर डाल दूंगी हमने प्याज का, जो मैंने 4 प्याज का पहले से ही पेस्ट बना के रखा था वो उसमें मैं ऐड कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्याज है उसे हल्का सा पिंक होने देना है, तब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पे हल्का हल्का फ्राई करना है। ये वो हल्की से पिंक हो चुकी है, ये देखें। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 चम्मच जितनी हल्दी, हाँ, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसमें अब जो हमारा ग्रीन पेस्ट बचा हुआ था वो ऐड करना है, और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गार्लिक पेस्ट 1/2 स्पून, और अच्छे से मिक्स करूंगी। और अब इसमें डब्बे डालना है ग्रीन चिली सॉस 2 टेबलस्पून, तो वो ऐड कर दे रही हूँ मैं इसके अंदर। देखें ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है, इसे मिक्स करना है 5 मिनट तक। हल्का सा भुंदाई होने देनी है इसकी, दही डालेंगे। ये देखिए भुंदाई हो चुकी है, तब इसके अंदर हम डाल देंगे दही। दही डाल रही हूँ मैं 5 टेबलस्पून जितना। ये देखें, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। इसे हमें कुक होने देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे ही। देखिए अच्छी तरह से देखें भुनाई हो चुकी है, तब इसमें मैं डाल दूंगी जो हमारा चिकन फ्राई करके रखा था वो।
ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स करूँगी और तकरीबन 5 मिनट कुक होने दूँगी और उसके बाद हमारा जो है गोल्डन चिकन जो है तैयार हो जाएगा। कुक हो चुका है, इसमें मैंने आधा कप पानी डाला था थोड़ा सा ग्रेवी के लिए, ये देखें। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 नींबू का रस और इसे मिक्स करके इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी। तो जो हमारा गोल्डन चिकन है वो तैयार है, अब इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। हमारा जो चिकन है वो तैयार है, अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ बाउल के अंदर, ये देखें। तो मैंने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी है, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हो। मैंने एकदम जैसा मुझे चाहिए वैसा ही रखा है। आप इसको रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी के साथ ले सकते हो, किस जिसके साथ आपको खाना है वैसे खा सकते हो। ये बहुत ही मज़े का बना है, दिखने में भी कितना प्यारा लग रहा है और कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है, ये देखें। तो अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।